और आज की जो रेसिपी है उसमें खास करके सारे के सारे हमने डेयरी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। बहुत ही रिच वाली रेसिपी बनने जा रही है, हमारी मावा केक की रेसिपी है ये। और जो भी हमने उसमें दूध या बटर या दही यूज किया है ना, वो मैंने अभी अमूल का ही यूज किया है। आप चाहे तो होममेड दही वगैरह यूज कर सकते हैं, बट इसके यूज करने से रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अमूल का बटर, अमूल का दही और ये दूध यूज किया है। कितनी क्वांटिटी में यूज किया है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोल ले लेंगे। और सबसे पहले हमें बोल में लेना है मावा, क्योंकि हम मावा केक बना रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यह मावा केक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में अभी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आगे का बैच जो मैंने रात को बनाया था बना हुआ है। तो अभी जो मैं बना रही हूँ बहुत छोटी क्वांटिटी में बना रही हूँ। मैं इसका कन्वर्जन करके आपको टेबल स्पून में भी दे रही हूँ और ग्राम में भी दे रही हूँ, ताकि दोनों तरफ से आपको बनाने में इजी हो जाए। अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप ग्राम में यूज कीजिए, अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है और इस तरह के टेबल स्पून और कप्स है तो आप कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप अभी तक का आपको सभी को क्लियर होगा। किसी को कोई ग्लिच आ रहा है क्या? मुझे कनेक्शन का इश्यू दिखा रहा है। अगर कोई ग्लिच आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। आपका नाम वगैरह भी लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है मावा, जो मैंने लिया है 25 ग्राम। ओके, तो 25 ग्राम मावा अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से नापने जाओगे ना, तो ये होता है 2 टेबल स्पून मावा। तो अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं तो नोट डाउन कर दीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये लाइव के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा का पूरा रेसिपी कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 टेबल स्पून मावा। मावा जो है वो सॉफ्ट वाला है, सिका हुआ नहीं है और हार्ड भी नहीं है। मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे आने दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी का मावा है, आराम से ये प्रेस हो जा रहा है। तो हमने लिया है 25 ग्राम मावा। इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। तो ये जो शुगर है ये है पाउडर्ड शुगर, और ये मैंने लिया हुआ है ग्राम के हिसाब से 45 ग्राम। और अगर आप इसको टेबल स्पून के हिसाब से देखने जाओगे, ये बड़ी वाली जो स्पून आती है, तो उसके हिसाब से ये हो जाता है 5 टेबल स्पून। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून शुगर भी ले ली है। आप 4.5 भी उसको कर सकते हैं, मैंने उसको राउंड ऑफ करने के लिए 5 टेबल स्पून कर दिया है। लेकिन आप आपका जो मीठापन है आपके हिसाब से कम ज्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं दही। तो कर्ड जो है वो मैंने लिया है ये अमूल का, और उसमें मैंने दही लिया हुआ है, दही भी है 30 ग्राम्स। ओके, ये मेरा रेसिपी। हाँ, तो दही मैंने लिया हुआ है 30 ग्राम्स, और ये भी होता है लगभग 2 टेबल स्पून जितना। तो ये मैंने डाल दिया है दही इसके अंदर। अभी तक हम कुछ मिला नहीं रहे, शुगर और बटर को अभी कुछ भी मिक्स नहीं करना है। मैं पहले सारे के सारे 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें पहले डाल दूंगी, उसके बाद हम इसको मिलाना शुरू करेंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब आपका दही हो जाता है, उसके बाद हम इसमें मिलाते हैं बटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सॉल्टेड बटर, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्टेड बटर जो है 25 ग्राम। जितना हमने मावा लिया था उतना ही हम बटर ले रहे हैं, और मावा जो था 25 ग्राम हो रहा था 2 टेबल स्पून, लेकिन बटर जो है वो हो रहा है 1.5 टेबल स्पून। तो ये हमने डाल दिया बटर। बटर भी बहुत ही सॉफ्ट वाला है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, ये कप से बाहर ही था। हमें मेल्टेड वाला नहीं लेना है, हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला सॉफ्ट बटर लेना है। ठीक है, तो अभी हमने हमारे बोल में डाल दिया है बटर, मावा, कर्ड और शुगर। चारों आइटम को हमें क्या करना है, अभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें मिक्स करना है। तो मैं अभी विस्क की मदद से सभी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही फुल प्रूफ रेसिपी है। मतलब आपका ये रेसिपी कभी भी फेल नहीं जाएगा, ऐसा वाला ये रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और इसको अगर आप बना रहे हैं कहीं पे शेयर कर रहे हैं तो होममेड बाय श्वेता करके मुझे टैग करना ना भूले। ये मेरा ब्रांड नेम है, और मेरा FB पेज भी है इसके साथ, और मेरा YouTube चैनल भी है जहाँ पे मैंने बहुत सारे रेसिपीज भी शेयर किए हुए हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं। तो सारा का सारा बहुत अच्छे से हमने मिला दिया है, आप देख सकते हैं।
अब आगे हम इसमें मिलाएंगे आटा, मतलब कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स अभी जा रहे हैं, मैं एक ही बोल में सब कुछ डाल रही हूँ। तो एक बार हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए, अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मेरा आटा जो है वो मैंने लिया हुआ है 60 ग्राम, यहाँ पे है 60 ग्राम। अभी मैंने इसको टेबल स्पून में नहीं लिया है, मैंने इसको कप में लिया है। तो कप के हिसाब से कितना होता है, 1/3 कप + 2 टेबलस्पून। ओके, ये 1/3 कप + 2 टेबलस्पून, ये आधा कप भी नहीं था और ये 1/3 कप भी नहीं था, उसके बीच में था। तो 1/3 कप के बाद हमने 2 टेबलस्पून और मैदा डाला है, और इसका अगर वजन करने जाओगे तो ये हो जाता है 60 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ड्राई आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, फिर लास्ट में इसमें जाएगा हमारा मिल्क। इसके अलावा हमारा कार्टन येलो वाटर इन द फ्रिज, अभी आएगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर हमारा जो है ना वो हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। तो जो 4 स्पून का सेट आता है उसमें सबसे छोटा वाला जो होता है ना वो आपको भर के डालना है बेकिंग पाउडर। और इसका आधा, मतलब अभी इसके आधे वाले स्पून नहीं आती है, लेकिन आपको इसका आधा अंदाजे से लेके इसको 1/8 टीस्पून जितना आपको लेना है, इस तरह से पूरा नहीं भरना है, इसको आधा भर के आप डाल सकते हैं बेकिंग सोडा। तो ये हमने डाल दिए लेवनिंग एजेंट्स, इसको कहते हैं लेवनिंग एजेंट्स। ये आपके केक को सॉफ्ट बनाने का और फुलाने का काम करता है। और जब तक हम लोग ये बना रहे हैं हम हमारा ओवन ऑन कर देंगे 180 डिग्रीज पे। ठीक है, हमने 180 डिग्रीज पे ओवन को प्री हीट करने के लिए रखना है। इस प्रिपरेशन में एटलीस्ट 10 मिनट्स आपके जाएंगे। तो ये जब तक आपका 10 मिनट्स में आपका प्रिपरेशन रेडी होता है, आपका ओवन भी रेडी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है उनको हमने छान लिया है पेपर लाइनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अभी जो मेन स्टार इंग्रेडिएंट हमारा है मावा केक का, वो है हमारा कार्डमम पाउडर। तो वो भी हमें मिलाना है 1/4 1/8 टीस्पून, मतलब कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम। अगर आप 1/4 टीस्पून तक भी डालोगे तो थोड़ा सा कार्डमम का फ्लेवर ज्यादा आएगा, अदरवाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप 1/4 टीस्पून भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अभी आप लोग को 1/4 से थोड़ा कम इसमें डालना है। ये मैंने डाला अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो हमारे मावा केक का मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा इलायची का पाउडर, कार्डमम पाउडर। ठीक है, तो अभी हमारे सारे के सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिला दिए हैं, सभी को हमें अच्छे से पहले विस्क देना है। और हम आज क्या कर रहे हैं, मफिन्स बना रहे हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, इस तरह के कप्स जो आते हैं पेपर लाइनर्स इसको कहते हैं, तो ये जो कप्स आते हैं ना हमने इसको लिया है। अगर आप इसको केक बनाना चाहे, मतलब कि लोफ बनाना चाहे या राउंड शेप का केक बनाना चाहे, तो कोई बात नहीं, आप उसको उस वाले मोल्ड में डाल दीजिए। रेसिपी सेम रहेगी, इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे, बस आपको उसका शेप चेंज करना है। तो आज हम इसको बना रहे हैं मफिन के शेप में, ताकि छोटे छोटे सर्व हो जाए और आपका जो मफिन का जो है ना लाइनर, वो आप 3 से 4 इसमें भर सकते हैं। तो मफिन लाइनर्स को लाइन करने के लिए इस तरह के ट्रेस मिलते हैं। तो इस तरह के जो ट्रे आते हैं ना उसमें हम पहले क्या करेंगे, इस तरह से हमें मफिन लाइनर्स को लाइन करके रख देना है। तो लगभग 3 से 4 हमारे भरेंगे। अगर आप प्रोफेशनली बना रहे हैं, मतलब कि आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपके जो बैटर है उसको मेजर करना है और उसके बाद उसको आपको डिवाइड करके चारों में एक जैसा डालना है। एक जैसा डालने से क्या होता है कि एक जैसा टेम्परेचर मिलता है, एक जैसा राइज होता है और एक जैसी क्वांटिटी आती है। तो वो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि आप अगर किसी के पास से पैसे ले रहे हैं तो उनको कोई छोटा कोई बड़ा इस तरह से आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है। तो अगर आप इसको एज अ बिजनेस रेसिपी ले रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, पूरे बैटर को पहले मेजर करना है और फिर आपको कितने बनाने हैं उसके हिसाब से आपको उसे डिवाइड करना है। तो मैं जब करती हूँ तो मैं इसको लगभग 50 से 55 ग्राम्स, 55 से 58 ग्राम्स तक भी आप उसको ले सकते हैं,
एक कप में मैं भरती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर पिस्ता और बादाम भी आते हैं, तो 1-2 ग्राम उसमें जुड़ जाते हैं, तो कुल मिला के 60 ग्राम का एक हमारा मफिन बनता है। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है बनाने का। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, छोटे बड़े का नाप भी आप चेंज कर सकते हैं। अब लास्ट में सभी को अच्छे से बाइंड और मिक्स करने के लिए मैंने लिया हुआ है दूध, जो मैंने यूज किया है ये गोल्ड, अमूल गोल्ड जो अपना फुल फैट दूध आता है वही लिया है, रूम टेम्परेचर वाला है, कोई उबाल के ठंडा किया ऐसा नहीं है, नॉर्मल दूध है। रिपीट मैं बाद में करती हूँ मीनाक्षी जी, मैं बाद में रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस खत्म कर दूं, अभी हम लास्ट स्टेज पे हैं और जब तक ये हमारा बेक होगा मैं थोड़ी एक दो बार और से उसको रिपीट कर दूंगी। तो दूध हमने लेना है इसके अंदर लगभग 35 से 40 ग्राम तक। अब दूध का मैंने क्वांटिटी क्यों ऐसे रखा है 35 और 40, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी अगर मिल जाती है 35 ग्राम्स के अंदर तो आप 35 ग्राम्स डालिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा बैटर गाढ़ा लग रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 स्पून जितना ज्यादा डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी, इसका जो मेजरमेंट है वो बताया है 35 to 40 ग्राम्स। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अभी 1 चम्मच जितना बाकी रखा है, मैं देखती हूँ कि मेरा जो कंसिस्टेंसी ऑफ बैटर है वो कितना लूज है या फिर कितना हार्ड है और या फिर कितना थिक है, अगर मुझे लगा तो मैं और डाल दूंगी, अगर नहीं लगा तो फिर हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे। और मावा केक का जो बैटर होता है ना वो बिल्कुल रनी नहीं होता है, काफी अच्छे से थिक होता है, जिसकी वजह से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेक्सचर आता है इसका। बस हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है, मैं एक बार फिर से इसको मिला के आपको दिखाती हूँ कि हमारा बैटर का कंसिस्टेंसी। Okay, आपको दिख रहा होगा कि बैटर काफी थिक है लेकिन वो गिर रहा है, वो अटक नहीं रहा है। देखा आपने, स्पैचुला के ऊपर से ये गिर रहा है लेकिन अटक नहीं रहा है, मतलब कि हमारा कंसिस्टेंसी ठीक है। आप चाहे तो 1 चम्मच और इसमें डाल के उसे स्मूथ कर सकते हैं, बट मेरे लिए अभी ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, मेरा जो दूध था वो टेबलस्पून के हिसाब से देखा जाए तो 4 टेबलस्पून था, और अगर ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 30 ग्राम्स मैंने लिया था। ठीक है, तो 4 टेबलस्पून में अभी भी मेरा आधा टेबलस्पून जितना बचा के मैंने रखा हुआ है। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, चारों में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ही डाल रही हूँ, अदरवाइज मैं इसको क्या करती हूँ, पूरा का पूरा ट्रे वेइंग स्केल पे रखना है और आपको 55 या 58 आप जितना भी रखना चाहो उतना मेजर करके उसमें डालना है। तो अभी मैं अंदाजे से इसमें डाल रही हूँ, तो लगभग से हमारे 4 बन जाएंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और 4 मफिन्स आराम से आपको दे देंगे। एक बार भरने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको कहाँ तक भरना है। ठीक है, आप 3/4 लेवल तक इसको भर सकते हैं, ये थोड़े से फूलेंगे लेकिन बहुत अच्छा उसका डोम आएगा फुलने के बाद। तो बस अभी पूरा का पूरा बैटर जो है मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया है 4 पेपर लाइनर्स में, मफिन लाइनर्स में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो होल्ड करके रखना, जैसे ही ये हम ओवन में डालेंगे ना मैं सारे के सारे क्वेश्चंस देख लूंगी एक बार, रिपीट भी कर दूंगी आपके लिए रेसिपी, सो दैट जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हमने आगे क्या किया था। तो यहाँ पे अभी हमारा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, ये है हमारा बैटर भरा हुआ, आई होप यू कैन सी दैट। तो हमने ऑलमोस्ट हाफ के ऊपर भरा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये मैंने लिए हुए हैं पिस्ता और बादाम के फ्लेक्स, अगर आपको दिखाऊं नजदीक से तो ये है बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स। फ्लेक्स का मतलब है पतली पतली सी कतरन जिसको बोलते हैं ना, आपको अगर दिख रहा है बहुत ही पतले से कतरन, ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। अगर आपको सीखना है कि ये घर पे कैसे बनते हैं इजीली तो मेरे चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है, बहुत अच्छे लगते हैं और इतने पतले हैं कि आप आराम से इसके ऊपर अच्छे से डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसको बादाम की कतरन डाल रही हूँ इसके ऊपर। घर पे बनाना बहुत आसान है, आप अगर
मुझे कमेंट करेंगे या फिर होममेड बाय श्वेता के पेज पे जाओगे या फिर उसके चैनल पे जाओगे, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी आराम से। इसका वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। तो ये डाल दिए हमने बादाम, अब इसमें आएंगे पिस्ता। आई होप आपको दिख रहा है, तो पिस्ता भी हमने इसमें डाला और अभी इसका जो लुक है ना एकदम से चेंज हो जाएगा, ये एकदम रॉयल और शाही लुक दिखने लगेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, बस अभी आपको क्या करना है, आपकी उंगली से उसको बैटर को टच नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके जो पिस्ता और बादाम आपने डाले हैं उनको दबाना है बैटर के अंदर, ताकि क्या हो जाएगा, वो अंदर थोड़े फिक्स हो जाएंगे और जब आप निकालोगे ना तो ऊपर से गिर नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चार मफिन जो रेडी है, हमने लाइनर बना के रखे हैं, वो अभी जाएंगे हमारे अवन के अंदर। अवन भी ऑलमोस्ट आ गया है मेरा टेम्परेचर पे, तो ये जाएगा 180 डिग्रीज पे 20 to 25 मिनट्स के लिए, ये आराम से। और तब तक आपको आंख भी रखनी है, मतलब देखते रहना है कि ये रेडी हुआ कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है टॉप, और इंसर्ट करिए आपके टूथपिक, अगर क्लीन निकल के आ रही है तो श्योरली आप उसको निकाल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टूथपिक के ऊपर चिपक रहा है बैटर, तो फिर आपको उसको 3-4 मिनट और रख दीजिए। लगभग 20 से 25 मिनट में ये रेडी बन के हो जाएंगे। तो जब तक ये रेडी हो रहे हैं, आई शो यू द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कल बना के रेडी रखे थे, ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये है हमारे मावा मफिन्स। गेट मी द ट्रे एंड नाइफ, आई शो द टेक्सचर। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। टेस्ट में तो आप पूछिए मत, 100% फेल प्रूफ रेसिपी है। आप किसी को भी खिलाएंगे ना तो ये आपके पास दोबारा आएंगे कि हमें दोबारा बना के दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही श्योर श्योर रेसिपी है, मेरी सिग्नेचर रेसिपी है मेरे बिजनेस की, और बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो मैं यहाँ पे आपको इसको काट के दिखाती हूँ किसका टेक्सचर कैसा है। और रात को बनाया था, लेकिन अभी भी बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट है, और इसका जो टेस्ट है ना बहुत रॉयल टेस्ट आता है, आप जरूर इसे ट्राई करिए। और अभी मैं आपका क्वेश्चंस ले लेती हूँ। आई होप आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी, इजी रेसिपी है, इजी टू फॉलो, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको ऑलमोस्ट घर पे मिल जाएंगे। शायद मावा आपको लेने जाना पड़े, लेकिन अगर आपको मावा लेने भी नहीं जाना है तो मेरे चैनल पे मैंने इंस्टेंट मावा बनाने की रेसिपी डाली हुई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी आपका क्वेश्चन दे, मैं फोन हाथ में ले लेती हूँ, मैं आपके क्वेश्चन देख लेती हूँ कि किसी को कोई क्वेश्चन है कि नहीं। हेलो 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 हरिता जी, यस मीना जी, बहुत डिलीशियस लगते हैं मावा भुना। नहीं नहीं, मावा भुना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवन में जाके बेक ही होने वाला है। यस, आप बिना भुने भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी और को कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे पूछिए, मैं आपको अभी आंसर दे दूं। गर्मी बहुत है। वॉइस क्लियर है, कैमरा सेट करिए। ओके, कहाँ से सेट करूँ मैं, मतलब अब मुझे, हाँ मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ये जो मावा मफिन्स है ना वो किस तरह से दिखते हैं। आपको शायद दिख रहे होंगे क्योंकि अभी मैंने कैमरा मेरे हाथ में ले लिया है, और ये है उसका टेक्सचर। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत डिलीशियस लगते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए, मेरे पास भुना हुआ है, चलेगा भुना हुआ है तो डाल दीजिए कोई बात। भुना हुआ इन द सेंस पाउडर फॉर्म में है क्या मीना जी? अगर पाउडर फॉर्म में है तो डोंट यूज दैट, वो शायद आपका भुना हुआ है ना तो थोड़ा टेस्ट अलग करेगा। आप या तो नया बन, इट विल गो ऑफ। हाँ जस्ट 2 सेकेंड्स, मैं एक बार फिर से इसको स्टैंड से सेट कर दूं। यस, तो मैं अभी एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था। मेन रेसिपी है हमारी मावा मफिन की, जिसमें जाता है मावा, शुगर, दही, बटर, फ्लावर,
लेवनिंग एजेंट्स लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और हमारा हीरो इंग्रेडिएंट होता है वो है हमारा कार्डमम पाउडर। और ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहे तो बादाम पिस्ता से उसको सजा सकते हैं, आप चाहे तो अंदर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट करता है अगर आप अंदर भी उसको डालोगे तो। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आज 4 मफिन्स की क्वांटिटी के लिए, मावा हमने लिया है 25 ग्राम्स, जो बनता है 2 टेबलस्पून, शुगर हमने लिया था 45 ग्राम्स, जो है 5 टेबलस्पून, हमने लिया था कर्ड जो है 30 ग्राम और वो बनता है 2 टेबलस्पून, उसके बाद हमने लिया था बटर 25 ग्राम जो हो रहा था 1.5 टेबलस्पून। ठीक है, रेसिपी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दी है तो आप वहां से उसको बाद में देख सकते हैं। सभी को हमने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है फ्लावर, हमारा हमने लिया था मैदा, तो मैदा हमने लिया है 60 ग्राम्स और वो होता है 1/3 कप और 2 टेबलस्पून। ठीक है, तो वो मैंने टेबलस्पून से नहीं नापा था, मैंने इसको कप में नापा था, और अगर आप देखने जाओ तो शायद 12 से 13 स्पून हो जाएगी अगर आप स्पून से देखने जाओगे तो। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं दूध, दूध हमने लिया था 30 ग्राम जो हो रहा था 4 टेबलस्पून, फिर डाला 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून मतलब कि 1/4 का आधा टीस्पून हमने डाला था बेकिंग सोडा, और 1/8 टीस्पून जितना ही हमें डालना है कार्डमम पाउडर मतलब कि इलायची का पाउडर। तो ये सारी चीज़ हमने डाल दी है, मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद सभी को अच्छे से मिला के आपको इसे इक्वली डिवाइड करना है, अगर आप मफिन्स बना रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग केक तो आप इसको केक टिन में डाल सकते हैं ग्रीस करे हुए पैन के अंदर, और उसके बाद उसके ऊपर आपको ये पिस्ता और बादाम की ये जो फ्लेक्स मैंने घर पे बनाए हैं आप उसमें उसको डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका टुकड़े भी डाल सकते हैं, जैसे आप छोटे छोटे काट के भी अगर आपको ग्रेट करना नहीं आ रहा है या फिर आपके पास मशीन नहीं है तो आप आराम से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी उसके ऊपर सजा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो अंदर भी ऐड कर सकते हैं बैटर के अंदर। बस अभी आपको चारों को आप डाल देना है, 180 डिग्री पे आपने ओवन को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद आपको उसे 20 से 25 मिनट तक या फिर इंसर्ट की हुई जो टूथपिक है वो क्लियर आने तक आपको इसे बेक करना है। तो आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा जो रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, प्लीज़ फॉलो कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं श्योर आपको हेल्प करूँगी। यस, इट इज़ वेरी डिलीशियस। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर हम लोग अभी इस लाइव को अभी एंड करते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आज के अमूल के लाइव के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मावा कितना है? मावा हमने लिया था आज के लिए 4 जो हमने बनाए मफिन उसके लिए 25 ग्राम जो होता है 2 टेबलस्पून जितना। If you want to see live कि वो कैसे बेक हो रहा है तो मैं आपको कैमरा लेके दिखा सकती हूँ। Just 2 minutes। यहाँ पे देखिए हमारा जो अवन में रेडी हो रहा है, काफी ऊपर तक आ गया है लेकिन अभी ये बेक हो रहा है। ठीक है, तो बस अभी हम लोग अभी हमारे लाइव को एंड करेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी और ट्राई कीजिएगा जरूर, मुझे टैग करना ना भूले, और कोई भी अगर रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।